नमस्कार। किडनी फेलियर और डायलिसिस का नाम सुनते ही एक डर का वातावरण बन जाता है और एक सिहरन सी उठ जाती है। मरीजों के मन में डर लगता है कि अब तो गए, पता नहीं कितने दिन जिंदा रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि डायलिसिस के मरीज कितना साल जिंदा रह सकते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि डायलिसिस एक स्पेशल नीड है और डायलिसिस के बावजूद अगर हम ढंग से रहें, इलाज प्रॉपरली कराएं, परहेज करें, डॉक्टर की बात माने और डायलिसिस के यूनिट को सम्मान दें, रेगुलरिटी बना के रखें, तो मरीज दीर्घायु रह सकते हैं। मैं दो उदाहरण देना चाहूँगा। एक डॉक्टर एडी थे जिनकी किडनी फेलियर 1963 के आसपास हुई। उस टाइम में तो डायलिसिस की मशीनें बहुत शुरुआती स्टेज में थी, तो वो डॉक्टरी करते करते वो लड़का जब बीमार हुआ तो वो किसी तरीके से डायलिसिस पे रह के डायलिसिस करवाते हुए वह डायलिसिस टेक्नीशियन बन गया और अपने यूनिट में टेक्नीशियन का काम करते हुए डॉक्टर एडी ने अपनी जान भी बचाई और डॉक्टरी की पढ़ाई भी पूरी की। फिर डायलिसिस करते करते उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी की, वो डर्मेटोलॉजिस्ट बने और 1978 के आसपास उन्हें ट्रांसप्लांट भी कराया और 2010 तक वो जीवित थे। अब आप सोच सकते हैं कि इतना लंबा अंतराल किडनी फेलियर के साथ गुजारना संभव है। अपने ही देश में नहीं तो हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री किडनी फेलियर के शिकार थे। डायलिसिस कराते हुए वह 15 साल से भी ज़्यादा जीवित रहे और उनके मृत्यु का कारण किडनी फेलियर नहीं था, कैंसर था। तो मैं अपने किडनी के मरीजों को ये समझाना चाहता हूँ कि आपके शरीर में कमी आ गई है और उस कमी को हम कृत्रिम ढंग से पूरा कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि भगवान के बनाए किडनी का 100% नकल डायलिसिस मशीन नहीं कर सकती। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप परहेज करें, जैसा आपको बताया जा रहा है, आप नियमित जांच कराएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ रेगुलरली तालमेल बना के रखें कि जिन कमियों को डायलिसिस पूरी नहीं कर पाई उनको दवाइयों से या परहेज से पूरा किया जा सके। और अगर ऐसा करते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि किडनी के मरीज किडनी के कारण नहीं जाते और डायलिसिस ऐसी चीज़ है कि किडनी के काम को हम आर्टिफिशियली रिप्लेस करके आपको दीर्घायु बना सकते हैं। धन्यवाद।